ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज और मैं न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपने प्रीव्यू देख ही लिया है, तो वही स्टेटस क्रिएट करने वाले हैं। बट उसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। तो इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको यही वाला लाइट मोशन मिल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना है। ओके दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके दोस्तों, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, और बुरा लगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्रोजेक्ट की लिंक है, वो डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको इस लाइट मोशन में इनपुट कर लेना है, और अगर इनपुट करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और कभी कभी लाइट मोशन में सॉन्ग इनपुट करने के बाद आपका चल नहीं पाता, तो आपको क्या करना है, उसको फिर से डिलीट करना है और फिर से उसको डाउनलोड करके इनपुट करना है, तो वो चालू हो जाएगा। ये प्रॉब्लम हमेशा आती रहती है कभी कभी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अब आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ लाइट मोशन को ओपन करके। तो क्या करना है, लाइट मोशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। ओके दोस्तों, मेरा नेट ऑफ है इसलिए इस तरह से आ रहा है। ऑन होने के बाद दूसरा इंटरफेस आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको अब क्या करना है, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट इनपुट किया है तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ओके दोस्तों, ये वाला प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोनों जो भी शेक इफेक्ट है और बीट मार्क है, दोनों प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। तो आपको बीट मार्क वाले को ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी ये रेड कलर में बीट लगी हुई, देख सकते कुछ इस तरह से बीट लगी हुई मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितनी भी बीट लगी हुई है उनके हिसाब से आपको फ़ोटो लगा लेना है। तो मैं आपको फ़ोटो लगाना सिखा देता हूँ किस तरह से लगाना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं फ़ोटो लगा कर बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे प्लस का आइकन दिख रहा है तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर मीडिया का आइकन दिखेगा दूसरे नंबर पर, उस पर क्लिक करना है, और ये बॉक्स बना हुआ है तो इस बॉक्स के नीचे यहाँ पर क्लिक करना फोल्डर पर, तो आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर्स होंगे सारे फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोटो पर क्लिक करना है, जिस भी फोल्डर में फ़ोटो है उस पर क्लिक करना है और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह से 4K HD में फ़ोटो नहीं है तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना है, वहाँ पर आपको 200 से भी ज़्यादा फ़ोटो मिल जाएगी 4K HD में, जो कि लेटेस्ट अपलोड की हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, तो अभी चले जाओ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो के जितना भी ट्यूटोरियल है वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जाकर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए मैं फ़ोटो लगाना बताता हूँ। तो फ़ोटो लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस फोटो पर क्लिक कर देना है, और अब ये छोटी सी स्क्रीन में आ रहा है तो इसको फुल स्क्रीन में करना है हमें। तो आपको क्या करना है, ये ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, और 5वें नंबर पर मिल जाएगा फिल कंपोजिशन एरिया, तो उस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको अगली बीट तक जाने के लिए ये तीर का निशान दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, और फिर इसको कट करने के लिए यहाँ नीचे ये वाला आइकन दिखेगा तो इस पर क्लिक कर देना है, तो फ़ोटो आपकी पूरी लग जाएगी और कट भी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इसी प्रकार सारी फ़ोटो लगाना है। तो आपको मैं एक बार और लगा के बता देता हूँ सेम प्रोसेस करके, फिर आप सारी फ़ोटो इस तरह से लगा लेना। तो आपको क्या करना, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के आइकन पर क्लिक करना है, और जो भी फ़ोटो लगाना है उस फ़ोटो पर क्लिक करना है,
ऊपर यहाँ 3 डॉट मिलेंगे, यहाँ क्लिक कर देना है और 5वें नंबर पर फिल कंपोजिशन एरिया मिल जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद अगली बीट तक जाने के लिए ये तीर का निशान मिलेगा, तो इस पर क्लिक करना है और कट करने के लिए ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आपको सारी फोटो लगा लेना है, तो मैं आपको लगा के बता देता हूँ। बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो। आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चले जाओ। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से फॉलो कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। ओके, आपके लिए मैं डेली न्यू न्यू स्टाइल में स्टेटस लेके आता रहूँगा, बनाता रहूँगा, और अभी भी आपके लिए सेकंड चैनल ओपन करने वाला हूँ मैं, तो उस पर आपको जो भी स्टेटस मैं क्रिएट करता हूँ ओनली वो स्टेटस मिलेंगे, वीडियो नहीं मिल पाएगी, जो भी बनाता हूँ वो नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट आपको स्टेटस मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको जल्दी से लगा के बता देता हूँ, आप भी ऐसे ही लगा लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैंने सारी फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, मैंने बीट के हिसाब से सारी फ़ोटो ऐड कर दिया हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको यहाँ पर जिस जिस फ़ोटो में भी इफेक्ट लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फोटो में इफेक्ट लगाना है तो आपको क्या करना है, जो भी सेक इफेक्ट आपने लाइट मोशन में इनपुट किया है उसको ओपन करना है, तो इससे यहाँ से बैक चले जाना है और जो भी सेक इफेक्ट है आपका उसको ओपन कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर 3 इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट वाली फ़ोटो है उस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद जो भी इफेक्ट है उस पर क्लिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और कॉपी का ऑप्शन मिलेगा तो कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है और बैक आने के बाद वही हमारा बीट मार्क को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से फ़ोटो मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फ़ोटो पर इफेक्ट लगाना है, तो फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से जितनी फ़ोटो पर भी मैं लगा रहा हूँ आपको बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे लगाते जाना है और कहाँ तक लगाना है आप अच्छे से देख लीजिए। ओके दोस्तों, मैं लगा के बता देता हूँ, तो कैसे लगाना आप भी अच्छे से देख लीजिए। फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से लगाते लगाते आपको आगे तक जाना है, कहाँ तक लगाना है मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, स्टेटस बहुत ही अच्छा बनने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो कौन से सॉन्ग पर बनाना है वो आप बता सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि मुझे जो भी आप गुजराती में टाइपिंग करते हो वो मैं समझ नहीं पाता, तो प्लीज़ हिंदी में टाइपिंग कर दीजिए आप। मैं जितने भी कमेंट आते गुजराती में वो ट्रांसलेट करना पड़ता है, मुझे गुजराती अच्छे से नहीं आती। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमने यहाँ तक लगा लिया, अगली फ़ोटो पर भी यहाँ तक लगा देना। तो आपको ये मैं सेकंड बता देता हूँ, 8.14 सेकंड यानी 8.40 सेकंड तक लगाना है, उसके बाद जो भी अगली फ़ोटो आ रही है उनको छोड़ देना। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ तक लगाया हमने, उसके बाद ये अगली फ़ोटो को छोड़ देना है और आपको क्या करना है, अब बैक आ जाना है। तो सेकंड आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ तक है अपना सेकंड, ये 8.14 सेकंड तक, यहाँ तक में हमने फर्स्ट इफेक्ट लगाया, आप अच्छे से देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बैक आ जाना है और सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी ये फर्स्ट सेकंड इफेक्ट मिल रहा है उस पर क्लिक करना है, सेकंड इफेक्ट पर, और इफेक्ट पर क्लिक करना है, ये फोटो पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको फिर से बैक आ जाना है और बीट मार्क को ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से ओपन करने के बाद आपको आगे आ जाना है 8.14 सेकंड तक, तो हमने वहाँ तक इफेक्ट लगा लिया है तो वहाँ तक आ जाना है आपको। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक आना है और इसके बाद जो भी अगली फ़ोटो आएगी तो उस पर हमको इफेक्ट लगाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाली फ़ोटो आ रही है अगली, ये 9 सेकंड से ठीक से 9 सेकंड से जो भी फ़ोटो आ रही उस फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना, फिर आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ पर लगाने के बाद आपको आगे की 2 फोटो छोड़ना है। ओके फ्रेंड्स, ये 2 फोटो छोड़े उसके बाद जो भी फ़ोटो आ रही है ये 11.2 सेकंड पे आ रही, उस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना। फिर हमको 2 फोटो छोड़ना है, कुछ इस तरह से छोड़ना है और यहाँ पर जो भी फ़ोटो आ रही है उस पर पेस्ट कर देना। तो हमको लास्ट तक ऐसे ही करना है। आपको किस तरह से फ़ोटो छोड़ना है, जो भी बड़ी लेंथ की फ़ोटो आ रही है ना दोस्तों, अच्छे से देख लीजिए, बड़ी लेंथ की फ़ोटो आ रही है और उसके बाद जो भी फ़ोटो आ रही है, उसके बाद जो फ़ोटो आ रही है उस फोटो पर ये वाला इफेक्ट लगाना है। तो अच्छे से देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कुछ इस तरह से सारी फ़ोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा लेना है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी लगा के बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो आप भी कुछ इसी तरह से लगा लेना है।
तो दोस्तों मैंने सारी फ़ोटो पर ये वाला इफेक्ट लगा दिया हूँ। जो भी हमको जिस फ़ोटो पर भी इफेक्ट लगाना था वो बड़ी फ़ोटो के बाद जो भी फ़ोटो आ रही थी इस टाइप की फ़ोटो, तो उस पर मैंने सारा ही फ़ोटो पर इफेक्ट लगा दिया। तो उसके बाद अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट इफेक्ट लगाने के लिए फिर से वही सेक इफेक्ट ओपन करना है और लास्ट में आ जाना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आने के बाद ये लास्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है और जो भी इफेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फिर से हमको बैक आना है, वही प्रोसेस करना है, बट कौन सी फ़ोटो पर लगाना है ये आप अच्छे से देख लीजिए। तो आपको आगे आ जाना है, यहाँ पर जहाँ तक भी हमने इफेक्ट लगाया है वहाँ तक आ जाना है। ओके दोस्तों, और उसके बाद कौन सी फ़ोटो पर लगाना है आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ तक लगा लिया हमने, यहाँ पर सेकंड देख लीजिए आप, 9 सेकंड तक हमने इफेक्ट लगा दिया। उसके बाद जो 9.12 सेकंड से फ़ोटो आ रही है उन पर लगाना है। तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना। तो दोस्तों आप ये सेकंड देख लीजिए, 9.12, वहाँ से आपको फ़ोटो पर लगाना है। तो ये फर्स्ट फ़ोटो पर लगा दिया, फिर सेकंड फ़ोटो पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके ये पेस्ट कर देना। उसके बाद हमको एक फ़ोटो छोड़ना है दोस्तों, ओके ओनली एक फ़ोटो छोड़ना है। और फिर जो भी फ़ोटो आ रही है फ़ोटो पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना। ऐसे दो दो फ़ोटो में लगा लेना है और एक एक फ़ोटो में छोड़ देना है। तो ऐसे ही आप सारी फ़ोटो पर लगा लीजिए, मैं आपको लगा के बताता हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर एक एक फ़ोटो छोड़ना है और दो दो फ़ोटो में लगाना है, ऐसे इफेक्ट लास्ट तक लगा लेना है। ओके फ्रेंड, तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो आप समझ ही गए होंगे किस तरह से इफेक्ट लगाना है। तो ऐसे लगा लेना, तो मैं भी अब आपको जल्दी से लगा के बता देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों मैंने सारी फ़ोटो पर इफेक्ट लगा दिया हूँ इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना है, इसे हमने जो भी स्टेटस बनाया है इसको सेव करना है। तो ऊपर ये वाला आइकन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। बट अभी रुकिए, आपको मैं कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ। यहाँ पर जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेना है, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए और आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, वहाँ पर फॉलो कीजिए और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।